वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भाई तारू सिंह जी के नाल संबंधित एक साखी पेश करन जा रही हाँ। ये साखी उस टाइम की है जदों लाहौर का सूबेदार जकरिया खां सी ते उसने नानक पंथियां दे मुकम्मल खात्मे लिए फुरमान जारी किया होया सी। इस टाइम लाहौर दे विच एक फरियादी रहीम खां जो कि एक गरीब मुसलमान है फरियाद लैके आउंदा है ता जकरिया खां दे पुछण ते ओह दसदा है कि मेरी इज्जत की राखी की जावे, मेरी 16 वरियां की धी सलमा नूं कोई उठा के लै गया है। तो जकरिया खां जवाब दिंदा है कि मुगल सल्तनत विच इसकी किसकी इन्नी हिम्मत कि वह मुसलमान की धी नाल जबर करन की कोशिश की जाए। तो रहीम खां कहिंदा है कि पट्टी दे फौजदार जाफर बेग दे हुक्म नाल उसकी धी नूं उठा के लै गए हैं। जदों जाफर बेग का नाँ सुनता है जकरिया खां तो वह कहता है कि वह तो साडा चचेरा भरा है तो असी सरकारी कामकाज विच दखल अंदाजी नहीं देंदे। इस गल नूं कह के वह रहीम खां नूं वापस भेज दिंदा है। तो रहीम खां सुन के कहता है चला जाता है तो उत्थे रस्ते विच उसनूं एक व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति रहीम खां नूं देख के कहता है कि तू दुखां दा मारिया लगता है पर दुख ते सुख कपड़िया वांग हुंदे हन ते समा कदे इको जिहा नहीं रहिंदा। तां रहीम खां कहिंदा है कि पर मेरे दुखां दा तां अंत ही नहीं हुंदा। तां उसनूं ओह व्यक्ति सलाह दिंदा है कि इत्थे नेड़े ही पिंड भुल्ला है जिथे एक दरवेश रूह वसदी है जिसका नाम भाई तारू सिंह है ते ओह आए गए की रक्षा करदे ने उहनां दी सहायता करदे ने। इह गल सुन के रहीम खां भाई तारू सिंह जी कोल चला जांदा है। भाई तारू सिंह जी उसकी सेवा करदे ने उसकी फरियाद सुनदे ने। भाई तारू सिंह जी उसकी फरियाद सुन के इस गल नूं चिड़ी दे विच रहिंदे सिंघां दे जत्थे तक पहुँचा देंदे ने। चिड़ी दे सिंघां दा जत्था रातों रात ही बिना किसी चीज़ की परवाह किए धी सलमा नूं उन्हां दे कोलों जाफर बेग की कैद विचों छुड़ा लिआउंदे ने। इस तरह भाई तारू सिंह जी एक सिंह हो के भी मुसलमान की सहायता करते हैं जिथे कि मुसलमाना दे राजे ने इनकार कर दिता सी उत्थे भाई तारू सिंह जी उसकी सहायता करते हैं। इस साखी तो सानू सिक्ख्या मिलती है कि सानू हमेशा गरीबां की सहायता करनी चाहिए है। जात पात का फर्क नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।